तो चलिए भाई लोग और बहन लोग जो भी हैं यार, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स में जितने भी लोग बीए कर रहे हैं, सॉरी बीकॉम कर रहे हैं, उनका सेमेस्टर 6 में डीएससी पेपर 4, सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर 4, ठीक है, डीएसई होता है। तो इसमें जो भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, झारखंड के विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैं झारखंड से रिलेटेड हूँ, और अदर में भी काम दे देगा क्योंकि कॉमर्स आपके पूरे भारत के लिए है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, विशेष रूप से झारखंड को ध्यान में रख के बनाया गया है वीडियो। तो 2022 में पूछा गया था और समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80। कैसे प्रश्न आते हैं आइए देख लेते हैं। तो इस पेपर में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं यार, देखिए मैं तो फिलहाल, अगर कोई आदमी आ जाएगा तो मैं पहले काम करूँगा, मतलब कि अपने दुकान में बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ पैथोलॉजी में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2-2 अंकों वाले 10 छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। 10 कथन दिए हैं, इन कथनों को बताना है स्टेटमेंट को ट्रू है या फॉल्स। तो पहला है कि एन इन्वेस्टर इज अ पर्सन हु डू नॉट वेंट टू अर्न इनकम इन फ्यूचर। आइए इसका हिंदी जानते हैं। तो देखिए हिंदी में क्वेश्चन है कि निवेशक वह व्यक्ति होता है जो भविष्य में धन नहीं कमाने के उद्देश्य से निवेश करता है। यार जब धन नहीं कमाएगा तो निवेश क्यों करेगा? तो कुल मिलाकर यह स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बाकी आप लोग मेरे से अच्छे समझते हैं, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था ग्रेजुएशन में, अभी तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट भी हो गया है। बी नंबर है कि पोर्टफोलियो प्रबंधन का सेबी से पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। अगर आपने पढ़ा है सेबी के एक्ट के बारे में तो देख लीजिए कि अगर होता है तो सही है, नहीं होता है तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम सेबी। सी नंबर देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि प्राथमिक एवं सहायक बाजार एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, यानी कि प्राथमिक बाजार और सहायक बाजार क्या एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं? अगर हाँ होते हैं तो सही है, नहीं होते हैं तो गलत है। डी नंबर है, शेयर बाजार की शुरुआत 1830 ईस्वी में मुंबई में हुई। सही में हुई थी तो सही है यार, और नहीं हुई थी तो गलत है। स्टॉक मार्केट वाज स्टार्टेड इज 1830 इन मुंबई। ई नंबर क्वेश्चन है, भारत में इस समय कुल 28 विनिमय केंद्र हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज है टोटल भारत में कितने, 28। सही है या गलत बताइएगा, 28 है या 29 है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, इसमें पूछा गया है कि निवेशक अधिकतम प्रत्याय न्यूनतम जोखिम को पसंद करता है। सही में इन्वेस्टर एक्सेप्ट मैक्सिमम रिटर्न एट मिनिमम रिस्क। जी हाँ बिल्कुल जी, आदमी रिस्क थोड़ा कम लेने खोजता है और मैक्सिमम कमाना खोजता है कि यार रिस्क थोड़ा कम हो जाए। बोलते हैं रिस्क बहुत है यार इस खेल में, तो इस काम को नहीं करो। जी नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ अस्थाई आय प्रतिभूतियाँ हैं। इंग्लिश में है कि मनी मार्केट सिक्योरिटी आर टेम्पोररी इनकम सिक्योरिटी। एच नंबर में पूछा गया था कि कोष प्रवाह विवरण व्यवसाय के वित्तीय विवरणों की विश्लेषण की तकनीक नहीं है। सही में तकनीक नहीं है तो सही है, और अगर है तो गलत है। अब अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हैं स्टेटमेंट वाले, इसमें पूछा गया है आई नंबर में कि विभेदीकरण विनियोग में संभावित जोखिम को कम करने की तकनीक नहीं है, ठीक है। और जे नंबर है कि आदेशन एवं फ्यूचर्स वित्तीय डेरिवेटिव है, यानी कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो ये थे आपके 10 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसमें बताना था कि सही है या गलत है कथन। अब आता है ये सभी 20-20 अंकों वाले क्वेश्चन। तो 20-20 अंकों वाले के आपको 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, कितने, केवल 3 ही करने हैं। यहाँ पे टोटल बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, कितने यार दिए, टोटल 8 क्वेश्चन हैं, यानी कि 20 अंकों वाले 7 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 1। तो 7 में से केवल आपको 3 ही 20 अंकों वाले बनाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेबी द्वारा निवेशकों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम का वर्णन करें, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय सेबी
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, तो सेबी यानी कि क्या बोलते हैं इसके यार, भारत प्रतिभूति विमान बोर्ड, विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, क्या है जी फुल फॉर्म हम भूल रहे हैं, ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन है कि प्राथमिक बाजार से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, इसके तत्वों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी मार्केट, फिर बोला गया है कि डिस्कस द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन, सभी 20 मार्क्स का ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पूछा गया है कि जोखिम क्या है यानी कि व्हाट इज रिस्क, फिर पूछा गया है कि व्यवस्थित और अव्यवस्थित जोखिम में क्या अंतर है, जोखिम क्या है यानी कि रिस्क क्या है, व्हाट इज रिस्क, फिर बताना है कि आपका व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि रोकर पड़वाह विवरण क्या है, इंग्लिश में व्हाट इज कैश फॉलो स्टेटमेंट, और फिर है कि यह कैसे तैयार किया जाता है, यह जो रोकर पड़वाह विवरण है कैसे तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि म्यूचुअल फंड क्या है, इंग्लिश में कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, फिर है कि म्यूचुअल फंड के लाभ एवं हानियों का वर्णन करें, डिस्क्राइब प्रोस एंड कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो हम लोग बोलते हैं इनका म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के आधार है, क्या क्या बोलता है यार टिबिटो में, ठीक है वही सब है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि साख श्रेणियां क्या है यानी कि व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, एंड फिर पूछा गया है कि इसके कार्यों का वर्णन करें, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, तो ये भी आपका 20 मार्क्स के है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, अगर आप इसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को तो केवल 2 को ही बनाना होगा, ठीक है किन्हीं 2 को, 10-10 मार्क्स के हैं चारों, किसी 2 को ही बनाना है। तो इसमें है पहला कि IPO क्या है, ठीक है व्हाट इज IPO, फिर है बी नंबर की ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है, ऑनलाइन ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, तो ऑनलाइन व्यापार क्या होता है। फिर है आप लोग सट्टा बहुत खेलते हैं ना, सट्टा लगाते हैं, तो सट्टा के बारे में पूछा गया है, स्पेक्यूलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और डी नंबर है विभेदीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन, तो ये हैं 4 में से किसी 2 पॉइंट पे बनाना था आपको, और इसके बाद आपको जितने भी पेपर चाहिए सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक के सभी अपलोडेड हैं, BA हो, BCom हो, BSc हो, MA हो, MCom हो, MSc हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड शाम को आपको NCERT से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए भी आप अच्छे से नोट्स बनाते जाएंगे। थैंक यू।